हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट वर्क एट हाइट के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि वर्क एट हाइट क्या होता है, उसमें काम करते वक्त हमें कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, लाइफ लाइन क्या होती है, उसका सेफ एंकरेज जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्टिव और पैसिव फॉल प्रोटेक्शन यानी कि क्या होता है, मैन बास्केट की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, फॉल अरेस्ट और फॉल रेजिस्टेंट यानी कि क्या होता है, सेफ्टी बेल्ट के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, सेफ्टी बेल्ट को हम कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं और फॉल प्रोटेक्शन का ABC यानी कि क्या होता है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्क एट हाइट होता क्या है। तो वर्क एट हाइट यानी कि ऊंचाई पर काम करना। अब ये ऊंचाई पर काम करना यानी कि ऐसी ऊंचाई पर काम करना कि जहां पर जो पर्सन है या फिर जो मटेरियल है वो गिरने का खतरा है। अब वो जो पर्सन है वो अगर मान लो ऊंचाई से नीचे गिर जाता है तो उसका जो रिजल्ट है वो ये होता है कि उसकी वजह से उस पर्सन को पर्सनल इंजुरी हो जाती है, तो वो एक्टिविटी वर्क एट हाइट में काउंट हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क एट एक्टिविटी यानी कि होता क्या है। वर्क एट एक्टिविटी यानी कि ऐसा काम कि जहाँ पर जो है कि पर्सन जो है वो गिरने का खतरा होता है, वो एक रिस्क होती है और उसका जो रिजल्ट निकलता है वो पर्सनल इंजुरी होती है, तो उसे वर्क एट हाइट कहते हैं। तो वर्क एट हाइट का एग्जाम्पल है स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी। आप जब भी स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी का काम करते हो और उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर से ऊंची हो जाती है तो वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती है और उसके लिए आपको बाकायदा परमिट की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ आपको उसका जो TRA होना चाहिए, TRA यानी कि टास्क रिस्क असेसमेंट, कई जगह पर उसको हीरा भी बुलाते हैं या फिर JSA भी बुलाते हैं, और फिर उसके साथ में आपको वो एक्टिविटी का वर्क मेथड स्टेटमेंट भी आपके पास होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि उसके रिलेवेंट क्या हजार्ड्स है। तो सबसे पहला हजार्ड है कि फॉलिंग फ्रॉम हाइट, यानी कि वो जो ऊंचाई है उससे पर्सन गिरने का खतरा है, तो फॉलिंग ऑफ हाइट जो है वो एक हजार्ड है। उसके बाद है फॉल ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, यानी कि वो जो ऊंचाई है उस ऊंचाई से कोई भी मटेरियल हो या फिर जो इक्विपमेंट है वो गिरने का खतरा है। फिर उसके बाद है पुअरली मेंटेन एक्सेस, यानी कि ऊंचाई के लिए जो आपने एक्सेस बनाया है उस एक्सेस को अगर मान लो आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हो तो वो भी एक हजार्ड है। उसके बाद है वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ जाती है वैसे वैसे उसका जो रिस्क लेवल है वो बढ़ जाता है। उसके बाद है रूप्स, यानी कि जो भी ऊंचाई का जो रूप है वो भी एक हजार्ड है। उसके बाद है डिटोरिएशन ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जो भी मटेरियल का इस्तेमाल वो वर्क एट हाइट में हो रहा है उस मटेरियल में अगर मान लो कोई भी डिटोरिएशन अगर आ जाता है तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है अनप्रोटेक्टेड एजेस, यानी कि मान लो कि स्कैफोल्डिंग आपने बना दी और बनाने के बाद जो रेलिंग्स होती है वो वहाँ पर मिसिंग है, यानी कि मिड रेल हो या फिर टॉप रेल हो, तो वो क्या हो गया, वो अनप्रोटेक्टेड एजेस हो गया, तो उससे जो है वो मटेरियल भी गिरने का खतरा है और पर्सन भी गिरने का खतरा है, तो अनप्रोटेक्टेड एजेस यानी कि ये एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है वेदर कंडीशन, यानी कि जब भी आप ऊंचाई पर काम कर रहे हो और वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, जैसे कि मान लो कि बारिश आ गई या फिर हेवी विंड स्पीड है, तो वो भी जो है वो एक हजार्ड है। उसके बाद है कि जब भी आप वर्क एट हाइट पे काम करते हो तो वहाँ पर आपको अनवांटेड मटेरियल नहीं रखना है, यानी कि लूज मटेरियल नहीं रखना है, तो वो अगर मान लो लूज मटेरियल आप उसके ऊपर रखते हो तो वो नीचे गिरने का खतरा है। तो चलिए अब देखते हैं कि वर्क एट हाइट के वक्त आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपको ऊंचाई का काम करना है तो उसके लिए आपको फुल बॉडी हार्नेस पहनना है और उस फुल बॉडी हार्नेस को डबल लैनार्ड होने चाहिए। फिर उसके बाद है कि जब भी आप ऊंचाई पर उस फुल बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल कर रहे हो तो साथ ही साथ आपको 100% टाई अप भी करना है और वो मेंटेन करके रखना है। फिर उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप ऊंचाई पर काम कर रहे हो तो वहाँ पर टो बोर्ड, मिड रेल, टॉप रेल और वो जो गार्ड रेल है वो कंप्लीट वहाँ पर मौजूद है। फिर उसके बाद है वर्क प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जिस वर्क प्लेटफॉर्म पर आप ऊंचाई पर काम कर रहे हो तो वो जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो बाकायदा इंस्पेक्टेड है, अच्छी कंडीशन में है और उसको बाकायदा टैग प्रोवाइड किया गया है। फिर उसके बाद जब भी आप ऊंचाई पर काम कर रहे हो और आपके पास जो भी मटेरियल है यानी कि जो भी टूल्स है उसका आपको इस्तेमाल करना है तो वो टूल्स को आपको लैनर्ड लगानी है। एग्जांपल के तौर पर आप कोई स्पैनर का इस्तेमाल करते हो किसी क्लैम्प को टाइट करने के लिए या फिर लूज करने के लिए, तो वो जो स्पैनर है वो ऊपर से नीचे गिर सकता है, तो वो एक टूल हो गया। वो टूल को आपको बाकायदा लैनर्ड लगानी है कि इनकेस अगर आपके हाथ से अगर वो छूट गया तो वो नीचे ना गिरे और वहाँ पर ही अरेस्ट हो जाए।
फिर उसके बाद है कि जो भी वर्किंग प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो वहां पर अनवांटेड मटेरियल आपको स्टोर करके नहीं रखना। पहले जानते हैं कि लाइफलाइन यानी कि होता क्या है। लाइफलाइन एक ऐसा कंपोनेंट है कि जिसके अंदर एक फ्लेक्सिबल लाइन आती है जो कनेक्ट होती है एक एंकर से, जो एक इन पर होता है जो वर्टिकली हैंग किया जाता है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो कनेक्ट होता है एक एंकर से जो दोनों साइड पर जो है वो वर्टिकली हैंग होता है, जिसका इस्तेमाल हॉरिजेंटली स्ट्रेच करने के लिए किया जाता हो। और वो जो लाइफ लाइन है जो दोनों एंकरेज के बीच में जो हम कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम अदर कंपोनेंट जो है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि पर्सनल फायर अरेस्ट सिस्टम, वो भी हम उस एंकरेज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सिस्टम को लाइफ लाइन कहा जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि दोनों साइड पर एंकरेज पॉइंट है और वो वर्टिकली हैंग किया गया है, और बीच में जो है वो लाइफ लाइन लगाई है और उस लाइफ लाइन को कनेक्ट किया है अदर कंपोनेंट जो है पर्सनल फायर अरेस्ट सिस्टम। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि लाइफ लाइन यानी कि क्या होता है। चलिए बात करते हैं कि लाइफ लाइन का जो सेफ एंकरेज है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम लाइफ लाइन का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो लाइफ लाइन है वो फास्टेन होनी चाहिए एंकरेज के फिक्स सेफ पॉइंट्स को, और वो जो है वो कैपेबल होना चाहिए 2300 केजी सपोर्ट लेने के लिए, और वो भी इंडिपेंडेंट। यानी कि अगर हमारे पास एंकरेज के फिक्स सेफ पॉइंट्स है वो भी दोनों साइड में, तो हर एक जो पॉइंट है उसके ऊपर 2300 केजी तक का उसने सपोर्ट लेना चाहिए, वो उसके लिए कैपेबल होना चाहिए, और उसे जो है वो प्रोटेक्ट करना है किसी भी शार्प एज हो या फिर एब्रेशन हो उससे। सेफ एंकरेज पॉइंट के अंदर आता है जैसे कि स्ट्रक्चरल मेंबर हो जिसका 4 इंची मिनिमम जो है वो साइज हो, लेकिन उसके अंदर गार्ड रेल हो, वेंट्स हो या फिर अदर पाइपिंग सिस्टम के जो स्मॉल डाया हो वो नहीं आते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट जो है वो भी नहीं आता है, आउटरिगर बीम हो या फिर काउंटर वेट हो वो भी सेफ एंकरेज पॉइंट के अंदर नहीं आता है। ये जो है ये होना चाहिए 10 mm डाया के वायर रोप स्लिंग से। हॉरिजेंटल लाइफ लाइन को हमें हाईएस्ट जो फिजिबल पॉइंट है वहां पर इंस्टॉल करना है, और वो जो है वो हम प्रेफर करते हैं हमारे शोल्डर हाइट के ऊपर। इस लाइफ लाइन को हमें मेंटेन करना है और इंश्योर करना है कि उसके सेंटर में अगर कोई भी अगर लोड नहीं है तो उसके अंदर सैग नहीं आना चाहिए, और वो भी जो है वो 30 सेंटीमीटर यानी कि 12 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो भी लाइफ लाइन के हर एक 10 मीटर के लेंथ पर जो दोनों अटैचमेंट जो पॉइंट्स है उसके बीच में रहेगा। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि लाइफ लाइन का जो सेफ एंकरेज है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि दोनों साइड में जो एंकरेज किया है वो फिक्स सेफ पॉइंट्स है, और उसके बीच में जो है वो लाइफ लाइन लगाई है, और उस लाइफ लाइन के सहारे उसने फॉल प्रोटेक्शन का वहां पर इस्तेमाल किया है। चलिए अब जानते हैं कि एक्टिव फॉल प्रोटेक्शन यानी कि क्या होता है। तो एक्टिव फॉल प्रोटेक्शन यानी कि कुछ भी जो वर्कर की तरफ से रिक्वायर होती है एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, जैसे कि वर्कर जो है वो फॉल रिस्ट्रेंट का या फिर फॉल अरेस्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक्टिव फॉल प्रोटेक्शन के अंडर आते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों जो है वो वर्कर को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन खाली फॉल रिस्ट्रेंट जो सिस्टम है वही जो है वो फॉल से प्रिवेंट करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पैसिव फॉल प्रोटेक्शन यानी कि क्या होता है। तो पैसिव फॉल प्रोटेक्शन यानी कि कुछ भी कि जहां पर वर्कर की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं होती है लेकिन फिर भी उसको फॉल से प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे पैसिव फॉल प्रोटेक्शन कहा जाता है। जैसे कि गार्डरेल लगाना या फिर सेल्फ क्लोजिंग गेट या फिर सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करना, तो ये पैसिव फॉल प्रोटेक्शन के अंडर आते हैं। जबकि यहाँ पर ये जो दोनों है ये फॉल प्रोटेक्शन को ऑफर करते हैं, लेकिन गार्डरेल और गेट जो है वही जो है यहाँ पर प्रिवेंट करेगा फॉल से। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि एक्टिव फॉल प्रोटेक्शन और पैसिव फॉल प्रोटेक्शन यानी कि क्या होता है। चलिए अब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओशा प्रॉपर फॉल प्रोटेक्शन यानी कि क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओशा एम्प्लॉयर ने जो है वो उसके एम्प्लॉयज हो या फिर वर्कर्स हो उनको प्रोवाइड करना है वर्किंग कंडीशन, और वो जो वर्किंग कंडीशन है वो फ्री होनी चाहिए जो भी डेंजर्स है वहां पर उससे। फिर उसके बाद है कि एम्प्लॉयर ने जो है जो भी वर्क एरिया वहां पर है तो वहां का वर्क एरिया का जो भी फ्लोर वहां पर है उसको क्लीन रखना है, और अगर पॉसिबल हो सके तो उसको ड्राई कंडीशन में रखना है। फिर उसके बाद है कि एम्प्लॉयर ने जो है जो भी वर्कर्स वहां पर है या फिर एम्प्लॉयज है तो उनको जो भी रिक्वायर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसको सेलेक्ट करके प्रोवाइड करना है, वो भी किसी भी कॉस्ट में।
फिर उसके बाद का पॉइंट है कि इम्प्लॉयर ने जो है जो भी जॉब हजार्ड वहां पर है उसके बारे में वर्कर को ट्रेन करना है, वो भी उनकी लैंग्वेज में जो उनको समझ सके। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अकॉर्डिंग टू ओशा प्रॉपर फॉल प्रोटेक्शन यानी कि क्या होता है। जानते हैं कि मैन बास्केट यानी कि होता क्या है। मैन बास्केट उसके अलग अलग नाम आते हैं, जैसे कि मैन बास्केट को वर्क प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, कंस्ट्रक्शन केज भी कहते हैं, सेफ्टी केज भी कहते हैं, या फिर पर्सनल बास्केट भी कहते हैं। और इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट पर किया जाता है, वो भी वर्कर को सेफली ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। चलिए अब जानते हैं कि इस मैन बास्केट की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो भी मैन बास्केट है उसको स्टैंडर्ड के मुताबिक डिजाइन करना है और फैब्रिकेटेड करना है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि इस मैन बास्केट का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि मैन बास्केट से जब भी आप वर्कर को ट्रांसपोर्ट करते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उस ट्रांसपोर्ट के वक्त उस मैन बास्केट में जो भी स्विंगिंग आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए टू टैग लाइन यानी कि गाइड रोप का आपको वहां पर इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी लिफ्टिंग गियर्स का इस्तेमाल मैन बास्केट के साथ हो रहा है तो वो जो है वो डैमेज फ्री होना चाहिए, यानी कि उस लिफ्टिंग गियर में कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि लोड बेरिंग कैपेसिटी उस मैन बास्केट की क्या है वो उसके ऊपर रिटर्न होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि शैकल के साथ में क्वार्टर पिन का वहां पर इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि मैन बास्केट का इस्तेमाल करके जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो तो वो जो सारी एक्टिविटी है वो क्रिटिकल एक्टिविटी में कंसीडर की जाती है, इसलिए आपके पास उस मैन बास्केट की जो भी एक्टिविटी आप करने वाले हो यानी कि जो भी आप जॉब करने वाले हो तो उसका रिस्क असेसमेंट आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि उस मैन बास्केट का लोड टेस्ट जो है वो होना चाहिए, तो उसके लिए जो है आप उसके अंदर सैंड बैग जो है वो रख सकते हो या फिर उसकी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार जो है आप उसमें लोड रख सकते हो। और ऐसा आपको हर बार करना है जब भी आपको आदमी को उस मैन बास्केट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है या फिर भेजना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि वायर रोप स्लिंग और बास्केट के बीच में जो भी एंगल होता है वो मोर देन 45 डिग्री होना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एंगल कम रहेगा तो बास्केट की जो स्लिंग है उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आएगा। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि क्रेन हुक के ऊपर आपको लाइफ लाइन जो है वो इंस्टॉल करनी होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि मैन बास्केट और स्लिंग के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो होना चाहिए 7:1। अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी सभी पीपीज है उसका आपको इंस्पेक्शन करना है उस मैन बास्केट का इस्तेमाल करने से पहले। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अप्रूव जो भी फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है उसी को ही आपको पहनना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि लिफ्टिंग प्लान आपके पास होना चाहिए। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सर्टिफाइड रिगर का ही वहां पर इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि फॉल अरेस्ट और फॉल रेसिस्टेंस सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फॉल अरेस्ट सिस्टम यानी कि होता क्या है। तो इस सिस्टम को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इन केस अगर फॉल होता है तो वहां पर लोअर सरफेस जो है उसको हीट करने से पहले ही उस पर्सन को फॉल होने से वहां पर अरेस्ट किया जाए या फिर वहां पर स्टॉप किया जाए। तो इसलिए इस फॉल अरेस्ट सिस्टम को डिजाइन किया गया है। तो फॉल अरेस्ट सेफ्टी सिस्टम जो है उसके अंदर आता है एंकर पॉइंट हो या फिर सीरीज ऑफ एंकर पॉइंट हो या फिर सेफ्टी लैनार्ड हो या फिर सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफलाइन हो या फिर हार्नेस हो। तो ये जो सारी सिस्टम है ये इंक्लूड होती है फॉल अरेस्ट सेफ्टी सिस्टम में। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि एक जो पर्सन है वो टॉप पर काम कर रहा है और उसने जो है फॉल अरेस्ट सिस्टम का इस्तेमाल वहां पर किया है और इसकी मदद से वो जो टॉप है उसके ऊपर वो इधर उधर जा सकता है और उसको वहां पर गिरने से स्टॉप किया जा सकता है या फिर उसको अरेस्ट किया जा सकता है उस फॉल अरेस्ट सिस्टम की मदद से, यानी कि वो वहां पर टॉप पर अच्छे से सेफली वहां पर काम कर सकता है। चलिए अब जानते हैं कि फॉल रेसिस्टेंस सिस्टम यानी कि होता क्या है। तो फॉल रेसिस्टेंस सिस्टम की मदद से जो भी यूजर वहां पर काम कर रहा है वो चाहे किसी भी डिस्टेंस पर हो तो उस डिस्टेंस पर उसे नीचे गिरने से जो है वो प्रिवेंट किया जाता है
फाइल रेजिस्टेंस सिस्टम की मदद से। और इसमें क्या होता है कि जो भी वर्कर उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर काम कर रहा होता है तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो भी अनप्रोटेक्टेड साइड हो या फिर एज हो तो वहां पर उस वर्कर को रीच नहीं होने देता है, वहां पर उसको जाने नहीं देता है। फायर रेजिस्टेंस सिस्टम में जो है वो इंक्लूड होता है जैसे कि एंकर पॉइंट हो या फिर कुछ टाइप की लैन एड हो या फिर प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जैसे कि इस केस में जो है सेफ्टी हार्नेस आता है, तो ये जो है ये फायर रेजिस्टेंस सिस्टम में इंक्लूड होता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो है कुछ वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं और उन्होंने जो है अपना लैनर जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है वो एंकर किया हुआ है और वो जो है उस पर्टिकुलर लैनर की मदद से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही पहुंच सकते हैं वो जो साइड में जो भी एज है या फिर अनप्रोटेक्टेड जो भी साइड है वहां पर वो नहीं पहुंच सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फॉल अरेस्ट और फॉल रेजिस्टेंस सिस्टम यानी कि क्या होता है। फुल बॉडी हार्नेस जिसे हम सेफ्टी बेल्ट भी कहते हैं, तो ये जो सेफ्टी बेल्ट है ये क्यों रिक्वायर होता है चलिए जानते हैं। सेफ्टी बेल्ट जो है वो आदमी को प्रोटेक्ट करता है। जब भी कोई पर्सन ऊंचाई पर काम करता हो जैसे कि इलिवेशन हो या फिर क्लोज जैसे लोकेशंस होता है या फिर कंटेनर्स हो, वहाँ पर अगर कोई पर्सन काम कर रहा है और काम करते वक्त अगर उसका जो बॉडी बैलेंस है वो अगर लूज हो जाए या फिर कहीं पर उसका पैर स्लिप हो जाए तो उसके कारण जो है वो नीचे गिरने की संभावना होती है, तो वो नीचे गिरकर उसको इंजुरी ना हो इसलिए ये जो है ये फॉल प्रोटेक्शन होता है जिसका नाम है सेफ्टी बेल्ट। चलिए अब जानते हैं कि फुल बॉडी हार्नेस के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। फुल बॉडी हार्नेस के जो क्लासिफिकेशन है वो हम इंडियन स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल सेफ्टी बेल्ट एंड हार्नेस उसके स्पेसिफिकेशन IS 3521 1999 के हिसाब से देखने वाले हैं। तो चलिए अब जानते हैं और देखते हैं कि ऐसे वो कौन से क्लासिफिकेशन है। तो इसमें जो है क्लास ए, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एल और क्लास पी होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो क्लास ए का जो फुल बॉडी हार्नेस है वो रिप्रेजेंट करता है फॉल अरेस्टिंग को। उसका मतलब ये होता है कि इस क्लास का जो सेफ्टी बेल्ट है इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि जब भी कोई पर्सन ऊंचाई से गिरने वाला हो या फिर गिर रहा हो तो उस दौरान उसको ये जो बेल्ट है वहीं पर ही अरेस्ट कर लेता है और उसके बॉडी को सपोर्ट करता है। क्लास ए हार्नेस में एक डी रिंग होती है जो दोनों शोल्डर स्ट्रैप के बैक साइड पर होती है और इस क्लास ए सेफ्टी बेल्ट की जो प्रोविजन है वो प्रोवाइड की गई है IS 3521 1999 के तहत जिसको अप्रूव किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। फिर उसके बाद जो है क्लास डी वो रिप्रेजेंट करता है कंट्रोल डिसेंट को, यानी कि ऊंचाई से जब भी आप नीचे आते हो तो उस दौरान ये जो फुल बॉडी हार्नेस है वो उसको कंट्रोल करता है। क्लास डी हार्नेस में फ्रंट या फिर साइड माउंटेड डी रिंग होता है और इसकी भी जो प्रोविजन है वो प्रोवाइड की गई है फॉल अरेस्ट करने के लिए, वो भी IS 3521 1999 की तहत से, और ये भी जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से अप्रूव है। फिर उसके बाद है क्लास ई, वो रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल एंट्री और एग्जिट को, जिसे हम कन्फाइन स्पेस की एंट्री या फिर एग्जिट कह सकते हैं। इसको इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि जब भी आपको कन्फाइन स्पेस में वर्टिकल पोजीशन में एंट्री करना हो या फिर एग्जिट करना हो तो उस दौरान इस हार्नेस का इस्तेमाल करना होता है। और ये जो क्लास की हार्नेस है इसमें स्लाइडिंग डी रिंग होती है हर एक शोल्डर जो स्ट्रैप है वहां पर, और इसकी भी जो प्रोविजन है वो डबल रोप लाइफ लाइन के लिए की गई है जिसको कन्फर्म किया है IS 3521 1999 के तहत से, और ये भी जो है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से अप्रूव है। फिर उसके बाद आता है क्लास एल, वो रिप्रेजेंट करता है लैडर क्लाइंबिंग को। तो इस टाइप का जो हार्नेस है वो इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि जब भी आपको लैडर का इस्तेमाल करना हो या फिर टावर का इस्तेमाल करना हो और उसके ऊपर अगर आपको चढ़ना हो तो वहां पर इस हार्नेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टाइप के हार्नेस में एक या फिर दो डी रिंग होती है और वो जो डी रिंग है वो अटैच होती है हार्नेस के फ्रंट साइड में, और इस हार्नेस को भी कंफर्म किया गया है IS 3521 1999 के तहत से, और इसको भी जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अप्रूव किया है। फिर उसके बाद आता है क्लास पी, जो रिप्रेजेंट करता है वर्क पोजीशनिंग को, और इस हार्नेस को इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि जब भी कोई वर्क ऑपरेशन आप कर रहे हो तो उस दौरान वहां पर पोजीशंस के लिए आपको इस हार्नेस का इस्तेमाल करना होता है। इस टाइप के हार्नेस में जो डी रिंग होता है उसको माउंटेड किया गया रहता है वेस्ट लेवल में यानी कि कमर के लेवल में,
और ये भी जो सेफ्टी हार्नेस है इसको कंफर्म किया गया है IS 3521 1999 की तहत से, और इसको भी जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अप्रूव किया है। दोस्तों आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो भी क्लास डी हार्नेस है, क्लास ई हार्नेस है, क्लास एल हार्नेस है और क्लास पी के जो भी हार्नेसेस है वो सभी के सभी क्लास ए हार्नेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। फुल बॉडी हार्नेस है जिसे हम सेफ्टी बेल्ट भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल ऊंचाई पर फॉल प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। लेकिन फुल बॉडी हार्नेस को पहनने से पहले हम ये पता होना चाहिए कि उसको हम कैसे इंस्पेक्शन करें, ताकि जिस बेल्ट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो सेफ हो, तभी जाकर हमें फॉल प्रोटेक्शन वहां पर मिल पाएगा। लेकिन अगर वो बेल्ट डैमेज कंडीशन में हो और उस कंडीशन में अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हमें खतरा हो सकता है, हम नीचे गिर सकते हैं। तो इसलिए जब भी हम फुल बॉडी हार्नेस को पहनते हैं तो उसके पहले हमें उसको चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें फुल बॉडी हार्नेस में चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फुल बॉडी हार्नेस में जो लैनार्ड होती है उसको हमें चेक करना होता है कि उसमें कहीं कटा तो नहीं है या फिर डैमेज तो नहीं है, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि हमें उस लैनार्ड के साथ में जो शॉक एब्जॉर्बर है, यानी कि हम उसे शॉक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसको हमें चेक करना होता है कि वो डैमेज तो नहीं है, तो वो जो है वो सही कंडीशन में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि उस शॉक एब्जॉर्बर के ऊपर हुक होता है जिसे हम स्नैप हुक कहते हैं, तो उस स्नैप हुक को हमें चेक करना होता है कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है डी रिंग को और होल्डिंग बकल को कि उसकी कंडीशन सही है कि नहीं है, वो हमें चेक करना होता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो होल्डिंग बकल को, तो होल्डिंग बकल के ठीक पीछे में एक डी रिंग होता है जहां से ये जो लैनर्ड है ये इसमें अटैच करके फंसाई जाती है। फिर उसके बाद है कि हमें बैक स्ट्रैप जो है वो चेक करना होता है कि उसकी कंडीशन सही है। फिर नेक्स्ट है कि हमें चेस्ट स्ट्रैप जो है उसकी कंडीशन सही है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। नेक्स्ट है कि हमें लेग स्ट्रैप जो है उसकी कंडीशन कैसी है, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है शोल्डर स्ट्रैप के कंडीशन को, यानी कि शोल्डर के ऊपर जो स्ट्रैप आती है उसको हमें प्रॉपरली चेक करना होता है कि उसकी जो कंडीशन है वो सही है कि नहीं है। अगर वो शोल्डर स्ट्रैप कहीं से कटा है या फिर डैमेज है तो उस कंडीशन में हमें उसको इस्तेमाल नहीं करना होता है। नेक्स्ट है कि हमें चेक करना होता है ड्यूरेबल स्टिचेस को कि उसकी कंडीशन जो है वो सही है कि नहीं है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। फिर उसके बाद है कि हमें चेक करना होता है एडजस्टेबल जो स्ट्रैप है मेटल बकल की उसको कि उसकी जो कंडीशन है वो सही है कि नहीं है, ताकि जो स्ट्रैप होते हैं उसको हम एडजस्ट करके अच्छे से फिक्स कर सके। और फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है स्ट्रैप होल्डर को कि उसकी कंडीशन जो है वो सही है कि नहीं है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हम इस फुल बॉडी हार्नेस का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि फॉल प्रोटेक्शन का ABC मॉडल यानी कि क्या होता है। तो ABC मॉडल में A फॉर होता है एंकरेज। तो फॉल अरेस्ट सिस्टम के लिए एंकरेज जो है ये एक सिक्योर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, वो एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो एंकरेज जो डिवाइसेस है वो परमानेंट भी हो सकता है या फिर टेम्पररी भी हो सकता है, या फिर वो वैरी भी कर सकता है कि कौन से टाइप का स्ट्रक्चर वहां पर अवेलेबल है। एंकरेज जो है वो एक फिक्स पॉइंट भी हो सकता है या फिर एक स्टैटिक लाइन सिस्टम भी हो सकती है, जहां पर अगर एक सिंगल पर्सन जो है उस एंकरेज को अगर इस्तेमाल कर रहा है तो वो जो एंकरेज है उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसके ऊपर अगर फोर्स जो है वो 15 किलो न्यूटन तक अगर आता है तो वो वहां पर सस्टेन कर सके, या फिर अगर वहां पर दो पर्सन अगर काम कर रहे हैं तो वो जो एंकरेज है उसके ऊपर 22 किलो न्यूटन तक का जो फोर्स है वो उसने सस्टेन करना चाहिए, इतनी उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब जानते हैं कि ABC फॉल प्रोटेक्शन में बी स्टैंड यानी कि क्या होता है। तो बी स्टैंड फॉर होता है बॉडी सपोर्ट। तो फुल बॉडी हार्नेस जो है वो वर्कर जो है वो पहनता है, उसको कनेक्ट किया जाता है एज अ फॉल अरेस्ट सिस्टम के तौर पर। ये जो फुल बॉडी हार्नेस है ये स्पेशली डिजाइन होना चाहिए ताकि वो वर्कर्स को जो भी सीरियस इंजरी होने वाली है इनकेस अगर वो फॉल होता है तो उससे वो प्रोटेक्ट कर सके। उसके अलावा वो जो बॉडी सपोर्ट है वो उसको कंफर्टेबल होनी चाहिए ताकि वो उसको अच्छे से पहन सके। आपको यहाँ पर जो स्टैंडर्ड अप्रूव फुल बॉडी हार्नेस है उसी का ही यहाँ पर इस्तेमाल करना है, और कोई भी फुल बॉडी हार्नेस को इस्तेमाल करने से पहले उसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना है कि वो करेक्टली आपको फिट होता है कि नहीं होता है, या अगर वो नहीं होता है तो उसको आपको प्रॉपरली एडजस्ट करना होता है ताकि आप उसको कंफर्टेबली जो है वो पहन सको।
फिर उसके बाद फाल प्रोटेक्शन का जो एबीसी मॉडल है उसमें सी स्टैंड फॉर आता है जो है कनेक्टर्स। तो ये जो कनेक्टर्स है ये एक ऐसा डिवाइस है जो कनेक्ट करता है फुल बॉडी हार्नेस को और एंकरेज पॉइंट को। ये जो कनेक्टर्स है ये एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर एज अ मल्टीपल डिवाइसेस करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हम सभी को पता है कि शॉप एब्जॉर्बिंग जो लैनर्ड है उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो वो एक कनेक्टर्स कहलाता है जिसका मैक्सिमम वर्किंग स्लैक जो है वो 2 मीटर तक होना चाहिए या फिर उस शॉक एब्जॉर्बिंग जो लैनर्ड है उसमें सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफ लाइन भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फॉल प्रोटेक्शन का एबीसी मॉडल यानी कि क्या होता है। ए स्टैंड फॉर होता है एंकरेज, बी स्टैंड फॉर होता है बॉडी सपोर्ट और सी स्टैंड फॉर होता है कनेक्टर्स। चलिए अब जानते हैं कि फॉल प्रोटेक्शन में ए बी सी डी ई एफ यानी कि क्या होता है। जैसे कि इसके पहले हमने एबीसी के बारे में जान ही लिया है, अब जानते हैं कि फॉल प्रोटेक्शन में डी ई एफ यानी कि क्या होता है। तो डी स्टैंड फॉर होता है डिसेंट या फिर रेस्क्यू करना। जैसे कि हम सभी को पता है कि कन्फाइन स्पेस में नीचे उतरने के लिए हम ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हैं। अब मानते हैं कि कन्फाइन स्पेस में काम करते वक्त कोई अगर पर्सन इंजोर हो जाता है या फिर कोई जो वर्कर है उसकी कैपेसिटी नहीं होती है काम करने की, तो उस केस में हमें उस इंजोर पर्सन को या फिर जो कैपेबल नहीं है वर्कर काम करने के लिए उसको रेस्क्यू करना होता है। तो जो अदर वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको डेंजर में न डालकर तो उस वर्कर की रैपिड रिकवरी होनी चाहिए, इसलिए हम उस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके उसको इमिडिएटली वहां पर रेस्क्यू किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि ई स्टैंड फॉर क्या होता है। तो ई स्टैंड फॉर होता है एजुकेशन। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो भी वर्कर्स वर्क एट हाइट पर काम करते हैं तो उन सभी को वर्क एट हाइट में कैसे काम करना चाहिए उसकी सारी जानकारी पता होना चाहिए, यानी कि वर्क एट हाइट में वो कौन सा टास्क कर रहे हैं, उस डिफरेंट टास्क में क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकती है, तो ये सारी जानकारी उनको पता होना चाहिए। तो इसलिए उनको ट्रेनिंग के माध्यम से एजुकेशन देना बहुत ही जरूरी है ताकि वो जो टास्क करने वाले हैं उनके बारे में उनको डिटेल जानकारी हो कि उस टास्क में क्या रिस्क हो सकती है और उस टास्क को हमने कैसे सेफ और इफिशियंट मैनर में पूरा करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि एफ स्टैंड फॉर यानी कि क्या होता है। तो एफ स्टैंड फॉर होता है फॉल प्रोटेक्शन फॉर टूल्स। जैसा कि हम सभी को पता है कि जब भी हम वर्क एट हाइट पर काम करते हैं तो वहां पर हमें किसी टूल्स का जो है वो इस्तेमाल करना होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर आप स्कैफोल्डिंग अगर बना रहे हो तो वहां पर जो स्कैफोल्डर है उसके पास जो है एक स्पैनर होता है जिसकी वजह से जो स्कैफोल्डिंग है उसको वो टाइट करता है या फिर लूज करता है। तो ये जो टूल्स होते हैं वो वहां पर वर्क एट हाइट से नीचे गिरने का खतरा होता है, तो ऐसे जो टूल्स है उसको वहां पर ही आपको अरेस्ट करना है इनकेस अगर वो आपके हाथ से स्लिप हो जाते हैं, यानी कि उस टूल्स को आपको नीचे नहीं गिरने देना है कि जिसकी वजह से कोई इंसिडेंट हो। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट है जो नीचे गिर सकेंगे कि जिसकी वजह से इंसिडेंट हो सकेगा उसको आपको वहीं पर ही रिड्यूस करना है, यानी कि जो भी टूल्स आपके पास है उसको आपको वहीं पर ही अरेस्ट करना है जिसकी वजह से हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको हम और भी सेफ बना सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फॉल प्रोटेक्शन में ए बी सी डी ई एफ का मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा ऑल अबाउट वर्क एट हाइट के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।